पिता का उन्हें सानिध्य मिलता है और तमाम तरह की साहित्यिक गर्माहटों के बीच एक शख्सियत आगे बढ़ रही होती है, एक शख्सियत परिपक्वता की ओर बढ़ रही होती है। तो लुबना जी, आज जावेद सिद्दीकी जी के जन्मदिन की इस पूर्व संध्या पर आप भी अपने बचपन में लौटिए और कुछ वहां से बातचीत को आरंभ करते हैं। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझसे कह रहे हैं मेरे बचपन में मैं लौटूं, लेकिन मेरे लिए तो मैं और मेरे पापा के लिए तो शायद मैं कभी बड़ी हुई ही नहीं। क्या औलाद बात औलाद ही वाह, होती है, वो शायद कोई भी उम्र गुजर जाए वो कभी बड़ी तो होगी नहीं। खैर, जी पापा पापा हैं और जैसे सभी के होते हैं वैसे हमारे भी हैं। हमें कभी उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े राइटर हैं, और यहाँ तक कि आज आप उनकी मतलब इतनी बड़ी एक उनका ऑलमोस्ट एक फेस्टिवल कर रहे हैं। तो हमें कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि हम कि हम एक बहुत बड़े राइटर की औलाद हैं या ऐसा कुछ। हमारा घर का माहौल भी कभी ऐसा नहीं रहा। दोनों ही मेरे पेरेंट्स ने हमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पाला। मतलब मुझे अभी भी याद है कि महीने में एक बार हमारी छुट्टी हुआ करती थी, तो हम चारों भाई बहनों को पापा मम्मी को हमेशा कोई एक टाउन में, या तो हम कभी प्रिंस ऑफ विल्स म्यूजियम में चले जाया करते थे, या फिर हम जहांगीर आर्ट गैलरी में चले जाया करते थे, या कोई एक अच्छी बच्चों की फिल्म आती थी तो वो एक आउटिंग, हमारा एक संडे बहुत इम्पोर्टेंट होता था। और बम्बई में जब आप देखें तो संडे जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता था, बिकॉज वो तब छुट्टी हुआ करती थी। और जब हम बड़े हो रहे थे 80s में, तो वो बिल्कुल ऐसा था कि तब ट्रेनें भी ट्रेनों में रश कम होता था या लोग कम होते थे, तो मतलब एहसास होता था कि ये संडे है, हम संडे मनाने जा रहे हैं। तो हम बहुत मजे लेते थे और इन दिनों का इन इन इस पर्टिकुलर दिन का इंतजार किया करते थे। पापा मम्मी हमको कभी भी जैसे मैं आजकल देखती हूँ कि पिकनिक नाम की कोई चीज या कोई बड़ी प्लानिंग उस तरह से आजकल की जाती है। इट्स वेरी सैड कि आजकल ये चीजें कम होती जा रही हैं। हमारे लिए चूंकि उस टाइम पर मोबाइल नहीं आया था, तो ये बहुत जरूरी होता था कि हम एक दूसरे के साथ में वक्त गुजारें, और वो वक्त हमें एहसास नहीं हुआ कि वो इतना इम्पोर्टेंट वक्त, मतलब जो भी हमारी शख्सियतें हैं, जो भी हम चारों भाई बहन जिस तरह से बड़े हुए हैं या जिन वैल्यू सिस्टम्स के साथ में बड़े हुए हैं, वो उनकी नींव वहां उस समय डल रही थी। अभी कहने को कोई बड़ी बात नहीं थी कि हम जहांगीर आर्ट गैलरी जाया करते थे, लेकिन आज जब मैं उसको रिकॉल करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से याद है सामोवार में बैठना, हम छोटे छोटे बच्चे, और वहाँ का फेमस सैंडविचेस खाना, और वहीं ऊपर पीछे एक बरसाती जैसी थी जहाँ पे मुझे अभी भी याद है आरा एक बहुत बड़े पेंटर थे, उनकी पेंटिंग्स लगी हुई थी। और चूंकि पापा जर्नलिस्ट थे तो उनकी हर किसी से मुलाकात थी, वाकफियत थी, दोस्ती थी, तो हम बिना झिझक उनके उस स्टूडियो में चले गए थे। और हमें मुझे अब एहसास होता है कि ये चीजें, ये पल थे कुछ, लेकिन वो ऐसे रह गए और ऐसा उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हम लोगों को कि शायद हम बहुत लकी रहे कि हम इन इन सारे एक्सपीरियंसेस से गुजर गुजर सके। हमेशा लोगों का आना जाना तो रहता ही था घर में, लेकिन हमें कभी ये नहीं मतलब एहसास हुआ कि अच्छा ये इतने बड़े लोग आ रहे हैं या ये बहुत हमेशा ये था कि बस दोस्त हैं और दोस्त आ रहे हैं। तो इस तरह की हमारी एक अपब्रिंगिंग रही। ये वैल्यू सिस्टम कब हमारा हमारे अंदर ये बनता गया, ये आई थिंक कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरे
जो जो शायद पापा और मम्मी ही हमें दे सकते थे। और अगेन इसी कड़ी में आज मैं देखती हूँ कि हम लोग पूरे 11 दिनों से पापा के बारे में बातें कर रहे हैं और उनकी फिल्मों को सराह रहे हैं और उनके उनके खाके, उनकी किताबें और बहुत सारी चीजें, उन्होंने जो कुछ भी आज तक लिखा है वो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो पापा चूंकि जर्नलिस्ट थे, मम्मी हमारी डिजाइनर है, कॉस्ट्यूम्स करती थी, तो इप्टा नाम की एक संस्था है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिससे पापा मम्मी दोनों जुड़े हुए। और चूंकि मम्मी कॉस्ट्यूम्स करती थी तो उनका जाना रहता ही था और नाटक कुछ ना कुछ तो होता ही रहता था, तो हमारी सारी शामें वहीं पर गुजारती। और हम लोग भी चूंकि बच्चे थे तो चले ही जाया करते थे। मैं करीब 7-8 बरस की रही होंगी, तो मुझे तब एहसास नहीं था कि ये नाटक, ये दुनिया, ये क्या होती है। लेकिन हाँ, चूंकि वो एक शाम गुजरती थी, बहुत सारे अच्छे अच्छे अंकल आंटीज होते थे और बहुत सारी मस्तियां करते थे और बहुत कुछ अच्छा अच्छा काम करते थे, तो हमारे साथ भी इसी तरह से पलते गए, हम बड़े बड़े होते गए। ये सब चीजें कब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई शायद मुझे भी नहीं पता। आज हम मैं पापा की ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को फोकस में लाना चाहती हूँ, जो उनके नाटक, जो बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं, और जैसे जैसे वक्त बदलता गया है और जैसे जैसे हम इन्फ्लुएंस होते गए या हम हमारी हमारे अंदर कोई एक ऐसी एंग्स, कोई ऐसी फीलिंग थी जब हम चाह रहे थे कि हम कुछ बोलें, उस समय पापा ने नाटक लिखे। तो उनके कुछ उनके उसके बारे में आज मैं चाहती हूं कि वो डिस्कस हो। जी बिल्कुल। मगर लुबना जी, इसके पहले कि हम लोग उन नाटकों पर चर्चा करें और उसके अंशों का आपकी ओर से पाठ सुने, क्यों न बेहतर हो कि उन नाटकों से जुड़े हुए कुछ चित्रों को यहाँ पर हम लोग देखते हुए चलें। जी मित्रों, लुबना सलीम जी काफी सक्रिय हैं और यह देखिए पहला ही चित्र कितना प्यारा चित्र है और कुछ और चित्र हम देख रहे हैं। ये अलग अलग अवसरों पर खास तौर से रंगमंच से जुड़े हुए फारूक शेख, सोनाली बेंद्रे, यहाँ भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं। इसमें एक पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं लुबना जी, सलीम आरिफ, गुलजार साहब, सलीम आरिफ, जावेद साहब और दूसरे रंगकर्मी लोग। ये कुछ चित्र हैं मित्रों, और अभिनय की दुनिया में एक खास जगह रखती हैं लुबना समीर जी, तो हम आज उसको भी थोड़ा समझेंगे। और जावेद सिद्दीकी जी के नाटकों के साथ लुबना जी निरंतर जुड़ी हुई रही हैं, और सलीम आरिफ और लुबना जी मिलकर कई नाटकों का प्रोडक्शन और डायरेक्शन का काम करते रहे हैं। एक दो चित्र और हैं, इसके बाद मित्रों हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और ये अलग अलग अवसरों पर बैठे हुए लोग, लुबना जी जितना अभिनय में सक्रिय हैं, रंगमंच के साथ भी उनका उतना ही गहरा रिश्ता है, पूरे परिवार का ही कह सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यह एक ऐसा परिवार है जो साहित्य, रंगमंच और फिल्म को एक समर्पित परिवार है। रात नाटक जावेद सिद्दीकी जी का और कई और नाटक जिन पे आज चर्चा होगी, गुलजार साहब की कहानी पर भी एक नाटक जावेद साहब ने लिखा जिसका मंचन हुआ है, जिसकी चर्चा
सलीम आरिफ जी भी कर रहे थे। इस तरह से मित्रों हम एक बड़े लेखक की एक छोटी सी झलकी यहां पर प्रस्तुत कर पाए, और यह इसलिए ऐसा किया गया कि हम लोग उस बड़ी यात्रा को कम से कम कुछ हद तक महसूसने की समझने की कोशिश कर सकें। जी लोकनाथ जी, कृपया रंगमंच से जुड़े जो आपके अनुभव हैं और उनके कई नाटकों को आप और सलीम आरिफ जी दोनों मिलकर प्रोड्यूस करते रहे हैं, डायरेक्ट करते रहे हैं, आप स्वयं उनमें अभिनय भी करती रही हैं, और कई ऐसे उससे जुड़े हुए ऐसे कई प्रसंग हैं जो आज हमारे साथीगण जानना भी चाहेंगे। जी लुबना जी, पापा के साथ, पापा हमेशा से लिख रहे थे, और मैंने अभी जिक्र किया इट्टा का, इट्टा के लिए उन्होंने काफी नाटक लिखे, और चूंकि हम बहुत एक्टिव थे तो हम सब लोगों का मतलब जिंदगी का हिस्सा नाटक था। ये दूसरी बात थी कि उस समय पापा नाटक लिखने के साथ साथ फिल्में भी लिख रहे थे, जहाँ चक्र लिख रहे थे वहां सोहनी महिवाल भी लिख रहे थे, बिल्कुल अलग अलग, यू नो, उनकी सिर्फ चर्चित बहुचर्चित फिल्मों को के को हम लोग हमेशा याद रखते हैं, लेकिन जिस तरह का उन्होंने डाइवर्स काम किया है फिल्मों में, दैट इज मोर कमेंडेबल। एक मैं कभी कभी सोचती हूँ कि पापा की आदत है कि वो सुबह 4 बजे उठ के लिखते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और हमारा एक यू नो छोटा सा एक कॉम्पैक्ट सा एक पापा की स्टडी थी, और रात में हमारा यही होता था कि बस अब पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, पापा बिस्तर पे नहीं होते थे, पापा वहां पर एक छोटी सी लैंप में पापा लिख रहे होते थे, और इतना फास्ट लिखते हैं, एक तो वो ब्लैक पेन से लिखते हैं और इतना फास्ट लिखते हैं, इतना फास्ट लिखते हैं कि वो कभी कभी कहते हैं कि मुझे, मैं, मेरी मेरी लिखावट कोई पढ़ ले तो यू नो वो अवार्ड के काबिल है, और अमेजिंगली सिर्फ कुछ ही लोग पढ़ पाते हैं उसको, जिनमें से एक मेरी मम्मी है, तो और उनके असिस्टेंट्स डेफिनेटली, बिकॉज उनके पास तो कोई चारा नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा उन्हें, तो वो सुबह 4 बजे की जो लिखावट होती थी वो कमाल कमाल के ताने बाने बुन गई शब्दों के और इमोशंस के। पापा जब इप्टा में थे तो उन्होंने उन लोगों के लिए एक नाटक लिखा था, अंधे चूहे, माउस ट्रैप पर वो था, उसके बाद लिखा राक्षस जो सत्यू ने डायरेक्ट किया था, रात एक नाटक था जो फिर सत्यू ने डायरेक्ट किया था, तो अक्सर लिख रहे थे पापा नाटक अलोंग विद फिल्म्स, क्योंकि उस समय तो वो उरूज जो था फिल्मों का, तो और एक अमेजिंगली गोल्डन पीरियड थिएटर का भी चल रहा था साथ साथ में, और बहुत सारे बड़े दिग्गज लोग जैसे शबाना आजमी और फारूक शेख और आप रोहिणी हतंगड़ी और ए के हंगल और अंजन श्रीवास्तव और आप यू नेम देम एंड दे वर ऑल देयर डूइंग थिएटर, और इस तरफ नादरा बब्बर और दिनेश ठाकुर, और बहुत खूबसूरत फेज बंबई में नाटकों का उस समय चल रहा था। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, हम लोग बहुत चूंकि उससे जुड़े हुए थे, और मुझे भी याद है जब मैंने पहला मेरा नाटक किया था तो मुझे खुद ही पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, और वो नाटक था गोदान प्रेमचंद का, जो कमलाकर सोंगटे के एक मराठी के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं उन्होंने डायरेक्ट किया था, और उसमें रोहिणी हतंगड़ी और अंगल अंकल थे, और इसी तरह से मेरी भी शुरुआत थिएटर में हुई थी। वक्त गुजरता गया, हम लोग सब अपने अपने आगे बढ़ते गए, मेरी चूंकि कॉलेज के फौरन बाद ही शादी हो गई, तो एक समय ऐसा आया कि जहां मुझे ऐसा नहीं एहसास हुआ कि मुझे आई वॉन्टेड टू पे अटेंशन टू माई फैमिली, मैं थोड़ा सा अलग हट गई इस पर्टिकुलर जॉनर से, लेकिन जब वापस आई तो थिएटर से ही वापस आई, और अमेजिंगली एक बहुत इंटरेस्टिंग नाटक पापा ने तब लिखा था, उसका नाम था शाम रंग, तो पापा के नाटकों में से वो एक नाटक मुझे याद है जो मैंने
जो मैंने जिससे मैंने वापस आई मतलब थिएटर की उसमें सफर में। उसके फौरन बाद ऐसा हुआ हमारे साथ कि वक्त बहुत बदल रहा था, हालात बदल रहे थे, माहौल बदल रहा था, और कोई भी एक क्रिएटिव आदमी अपनी बात कहने के लिए जो दूसरे फील्ड्स होते हैं हमारे, जैसे फिल्में हैं तो फिल्मों में आप महदूद हैं एक पर्टिकुलर दायरे में, क्योंकि इतने लोग क्रिएटिव लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स उसके साथ में इन्वॉल्व होती है, तो आप सिर्फ अपनी बात नहीं कह सकते, आपका जो उस महदूद समय है या जो आप पर्टिकुलर टैलेंट में हैं या आप राइटिंग में हैं या आप एक्टिंग में हैं, आप जो कुछ भी उसके अंदर कर सकते हैं अपना करते हैं। सीरियल के साथ में भी वही हो रहा था। नाटक एक वो जगह थी जो जो हम जिसमें हमें वो फ्रीडम मिली, जिसमें हम अपनी बात कह सके। और उस वक्त वो जो 90s का और आई थिंक 2000 का एक बहुत अजीब सा वक्त गुजर रहा था हम सभी के साथ में, अमेजिंगली पापा के साथ में, सलीम आरिफ जो मेरे हस्बैंड हैं उनके साथ में, मेरे साथ में और गुलजार साहब के साथ, और हम चारों मतलब कोशिश यही कर रहे थे कि कहीं से ये एक एंग्स्ट देखे कि एक अंदर जो एक टर्मोइल था अपने शब्द बोलने का, या इट्स नॉट के टैलेंट हमारा वो हो रहा था, ये सिर्फ ये था कि चूंकि हम क्रिएटिव लोग बहुत अफेक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी सोसाइटी से, तो हमें कुछ अपनी बात कहनी थी, इसलिए हमने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया। उसका नाम हमने रखा ऐसे, ESSAY, यू सी, ऐसे कम्युनिकेशंस। और पहला हमारा नाटक उसके अंदर खराशे एक कोलाज बनाया हम लोगों ने, जिसमें गुलजार साहब की चार कहानियां थी और उसके साथ बहुत अच्छे, बहुत बिल्कुल जैसे हम ख्याल दोस्त जुड़ते गए, अतुल कुलकर्णी, यशपाल शर्मा, अनूप सोनी, वैशाली ठक्कर, गणेश यादव, किशोर कदम, इस तरह के लोग हमारे साथ में जुड़ते गए और वहां से हमारे नाटकों का सिलसिला शुरू हुआ। चूंकि ये प्लेटफॉर्म हम बना चुके थे और हमें पूरा ये फ्रीडम थी कि हम अपनी बात कह सकें, तो गुलजार साहब के साथ में पापा भी उतने ही सक्रिय थे कि हम वो अपनी अपने नाटक वो जो कहना चाहते हैं वो करें, वो कहें, एंड इससे अच्छा प्लेटफॉर्म थिएटर का हो नहीं सकता है। सैडली थिएटर के अंदर आप पापा की फिल्में दोबारा देख सकते हैं, आप उनके सीरियल देख सकते हैं, आप उनके बहुत सारे जो भी उन्होंने लिखा है आप उनके खाके पढ़ सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन थिएटर एक बार वो जो 3 घंटे के लिए जिंदा होता है और फिर खत्म हो जाता है, वो जिन्होंने देखा है वही लगती है, उसके अलावा तो उसकी आ, आ, उसके उसके बारे में सिर्फ सुन ही सकते हैं। तो इस वजह से आज आई वॉन्टेड टू पे अटेंशन टू पापाज प्लेस। पापा ने बाहर बहुत सारे नाटक लिखे, बहुत सारे नाटक बाहर हमेशा लिखा, दिनेश ठाकुर के लिए बेगम जान लिखा, नादरा जहीर बब्बर के लिए तुम्हारी अमृता लिखा, अभी फिरोज भाई आए ही थे और आई एम श्योर मतलब कल्ट प्ले है, 21 साल तक चलता रहा, और शबाना आप और फारूक भाई ने जो कमाल दिखाया है उसके अंदर, और मुझे अभी भी याद है आपा जो कहती हैं वो यही कहती हैं कि वो जो नाटक है वो जावेद सिद्दीकी इज द थर्ड कैरेक्टर इन दैट, हिज राइटिंग इज द थर्ड कैरेक्टर, एंड वहीं से पापा की वो एक जो एक उरूज है थिएटर का वहां से बना, और बहुत ही उमदा नाटक लिखे हैं, मतलब अभी भी मैं पढ़ लेती हूँ उन्हें तो लगता है कि काश ये बहुत बड़ी ऑडियंस तक
जाता, ये उन बहुत ही अमेजिंग काम किया हमारे लिए उन्होंने। एक बहुत ही पहले हमारा नाटक जो पापा ने हमें कहा कि अच्छा तुम लोग करोगे, हमने कहा हम बिल्कुल करेंगे आपका नाटक, तो उन्होंने हमारे लिए एक नाटक लिखा कच्चे लम्हे। कच्चे लम्हे एक्चुअली गुजार बाबा की एक छोटी सी 3 पेज की कहानी है चाबी। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम कुछ नया काम करें, कुछ विमेन पर विमेन सेंट्रिक कोई एक काम करें, उनके अस्तित्व को लेकर और उनकी बातें कुछ कहें। तो उसमें हम जब गुजार अंकल के पास गए तो उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं कर सकता, और मुझसे बड़ा टीचर तो हमारे साथ में है, और अगर ये कहानी पर नाटक जावेद साहब लिखेंगे तो ही आई विल बी कंफर्टेबल एंड मैं सीखना चाहता हूँ नाटक लिखना। और पापा ने फिर हमारे लिए कच्चे लम्हे ये नाटक लिखा। बहुत खूबसूरत कहानी थी। अगेन एक तीन तीन पात्र थे, तीन कैरेक्टर्स थे इसके अंदर। एक लड़की जो थिएटर से बिलोंग करती है, और उसकी ग्रोथ, उसकी उसकी कि वो एक ऐसे आदमी से उसकी शादी हो चुकी है जो सिर्फ थिएटर 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 जीता है, उसके लिए सच्चाई जिंदगी असलियत कोई मायने नहीं रखती, वो सिर्फ थिएटर मतलब एक दीवानापन उसके ऊपर छाया हुआ है। एंड दिस वुमन वांट्स अ लाइफ एंड हाउ दे प्रोग्रेस एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल। आप तो मैं समझ सकते हैं कि वो कहानी क्या हो सकती है जब गुलजार साहब ने लिखी और पापा ने उसको 3 कैरेक्टर्स में वो पूरी कहानी 1.5 घंटे की स्टेज की है। इसमें हम हर्ष छाया एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, और किरण करमरकर और मैं, हम तीनों ने ये रोल निभाया था। और मुझे याद है अभी भी कि जिसने भी वो नाटक देखा है वो सिर्फ यही कहता था कि कब ये शुरू हुआ नाटक, कब खत्म हुआ हमें पता ही नहीं चला। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फिल्म ऑन स्टेज, इतना खूबसूरत वो एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद हम बहुत लकी रहे कि फिर पापा ने हमें आपकी सोनिया एक नाटक दिया, और ये आपकी सोनिया बहुत इंटरेस्टिंग नाटक है बिकॉज तुम्हारी अमृता उस वक्त उरूज पे था, और चूंकि वो ब्रांड बन चुका था एंड वी हैड टू ये पापा के पास ये फीलर आ रहे थे कि इस ब्रांड को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो सोच थी पापा की वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। बहुत सालों तक तो उन्होंने कुछ नहीं उस पर रिएक्ट किया क्योंकि पापा कभी भी ऐसी उड़ती उड़ती बातें कभी नहीं करते। वो जब भी कोई भी बात करते हैं तो हमको पता होता है कि ये सोची समझी हुई कोई ऐसी बात है, तो वी बेटर टेक हिम सीरियसली। तो जब पापा ने हमसे कहा कि एक लाइन में मैं ये कहानी बनाना चाहता हूँ, और वो ये लाइन थी कि अगर तुम्हारी अमृता प्यार की कहानी है तो जो उसका सीक्वल होना चाहिए उसका विपरीत इमोशन होना चाहिए एंड वो है नफरत। तो एक नाटक जो पूरे सिर्फ और सिर्फ प्यार पर बना, और एक नाटक जो सिर्फ नफरत और नफरत पर बना, और बहुत ही खूबसूरत नाटक। और चूंकि वो सीक्वल था तो ऑब्वियसली अगर आप जानते हैं तो अमृता, तुम्हारी अमृता में अमृता का किरदार तो खत्म हो जाता है लेकिन जुल्फी का किरदार रहता है। तो फारूक भाई वॉज वेरी मैग्नानिमस एंड वेरी एक्साइटेड कि वो ये नाटक करें, और उसके साथ उन्होंने हमने हम कोशिश कर रहे थे कि हम किसी नए इंटरेस्टिंग एक्टर को, बिकॉज एक पर्टिकुलर वो कि वो फॉरेनर है, वो फॉरेन इंडियन है लेकिन वो फ्रांस में पली बड़ी है वो लड़की, एंड उस रोल के लिए हमें सोनाली बेंद्रे सबसे अच्छी लगी। और कमाल की बात थी सोनाली की कि जिस दिन मैं पहली बार गई थी उसके पास तो शी वॉज सो एक्साइटेड, शी सेड मैंने कभी नाटक जिंदगी में मैंने सोचा भी नहीं कि मैं करूंगी, लेकिन चूंकि इट इज कमिंग विद सच अ बिग वेटेज ऑफ तुम्हारी अमृता, मैं ये करना चाहूंगी क्योंकि ये मेरे लिए एक माइलस्टोन होगा मेरी मेरी लाइफ के, मेरे करियर का।
एंड फौरन उसने हाँ कर दी। और जितनी मेहनत सोनाली ने की है अपनी उर्दू डिक्शन को ठीक करने में, और जितने मजे हमने लिए हैं बैक स्टेज पापा के ऑफिस में, रोज उन रिहर्सल्स में, उन रीडिंग्स में, और फारूक भाई तो फारूक भाई का क्या कहने, बार बार रह रहे कर उनकी याद आती रहती है कि वो मैरियट से सैंडविचेस आ रहे हैं, और पिकनिक होती थी हमारे लिए तो। और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, बिकॉज दो बड़े बड़े कलाकार, एक जो थिएटर के अंदर समोया हुआ है और एक जो जिसने आज तक कभी नाटक नहीं किया हो ना देखा हो, उन दोनों की इतनी इंटरेस्टिंग जोड़ी होती थी और इतने इंटरेस्टिंग सवाल होते थे, काश मैं उन सबको रिकॉर्ड कर सकती, तो बहुत अच्छा लगता था। इसी दरमियान चूंकि ये चर्चा हो रही थी और महीनों से हमारी रीडिंग्स चल रही थी, रिहर्सल चल रही थी, तो हुसैन साहब आए थे पापा के ऑफिस, और वो ऐसे वो आ जाता अक्सर आ जाया करते थे कि बस वो चाय पीने आ रहा हूँ मैं, तो वो आ गए एक दिन ऑफिस एंड उन्होंने पूछा पापा से कि आप क्या कर रहे हैं, तो पापा ने कहा कि मैं आजकल ये कर रहा हूँ, ये रीडिंग इसकी चल रही है, एंड वो बैठ गए। उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे सुनाओ, और पापा उन्हें सुनाते गए, और फिर उन्होंने कहा मुझे पेन और पेपर दे दो, और उन्होंने ऐसे कुछ करना शुरू कर दिया, एंड जब तक कि वो नाटक खत्म हुआ उन्होंने हमारा पोस्टर बना दिया, आपकी सोनिया का पोस्टर, मतलब टोटली वाह डेडिकेटेड टू हुसैन साहब। सो वाह ऐसी खूबसूरत खूबसूरत कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, और वो जो एक प्यार से बना हुआ एक नफरत भरा नाटक और वो भी पापा के शब्दों में, मैं कहती हूँ पापा जो है ना वो ना शब्दों की लाइब्रेरी, तो वो जैसे गुलजार अंकल भी कहते हैं कि मुझे कोई भी अगर कोई चीज के मायने ढूंढना हो या कोई चीज करेक्ट करवानी हो तो मैं फौरन उनसे फोन कर लेता हूँ, तो हम सब लोगों के लिए पापा वो है। तो जो कमाल का जो आ, आ, माहौल बनता है, और मुझे पृथ्वी में जब हमने इसको ओपन किया था, देयर वाज अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर 5 मिनट्स, वी डिडंट नो वेयर टू गो। सोनाली के लिए मैं कह सकती हूँ बहुत गर्व से, और वो भी मतलब ये बात को मानेंगी कि वन ऑफ द बेस्ट रोल्स ऑफ हर लाइफ वर वाज आपकी सोनिया। उसके कुछ दो तीन खत हैं जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, सिर्फ एक ऐसी ग्लिम्स पापा की राइटिंग की कि जिसमें एक समझ समझ सके हम लोग कि ये ये किस तरह का नाटक था। जी कहीं बीच में स्वागत से शुरू करूंगी मैं, लेकिन पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये था। तो ये चूंकि मैंने आपको बताया एक नफरत की कहानी है, और एक एक दो लोगों में बिल्कुल वही उसी माहौल में जैसे दो लोग बैठे हुए थे तुम्हारी अमृता में, इस टेबल पर फारूक शेख और इस तरह सोनाली बेंद्रे, और एक इंडिया में है और एक फ्रांस में है, और खतों की ताबत शुरू होती है उन दोनों के बीच, एज गैप है दोनों का, और दोनों एक एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जो 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 जुल्फी है वो समझ रहा है कि ये कौन है जो जबरदस्ती कोई फैन मेल है जो जबरदस्ती मुझे ऐसे नफरत भरे खत भेज रही है, और वो जो लड़की है वो पीछे पड़ी हुई है कि बस आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू, और ये पूछ पीछ पूछे तुम हो कौन भाई, तुम क्यों मुझे मुझसे इतनी नफरत कर रही हो। एंड उसी सिलसिले की कड़ी के अंदर ये कुछ खत मैंने दो तीन चुने हैं जो मैं पढ़ूंगी, जिसमें सोनिया कहती है, मैं आपसे ही नहीं आपकी महबूबा अमृता से भी शदीद नफरत करती हूँ, और उस आदमी से भी जिसकी मदद से मैं इस दुनिया में लाई गई। अमृता का खत पढ़ा था ना आपने, जिसमें उसने मुझे गुड़िया लिखा, मैं पूछती हूँ उसे क्या हक था एक गुड़िया बनाने का और फिर उसे फेंक कर चले जाने। चलिए छोड़िए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कोई ऐसी वजह रही होगी कि उसे अपनी औलाद को छोड़ना पड़ा। दुनिया में लाखों माएं ऐसा करती और कर चुकी हैं, ऐसा ही मूसा की माँ ने किया था, यही आपके भगवान कृष्ण की माँ ने किया था, मगर उनके पास ऐसा करने की वजह थी, अमृता के पास क्या वजह। अगर वो मुझे किसी मंदिर मस्जिद या चर्च के दरवाजे पर रख कर चली जाती तो कोई अफसोस ना होता, क्योंकि तब मैं किसी अमृता निगम को, किसी एंडी को, किसी जुल्फिकार हैदर को नहीं जानती, और सारी जिंदगी सवालिया निशान की तरह खड़ी रहती, एक क्वेश्चन मार्क की तरह, एक सवालिया निशान की तरह खड़ी रहती जो जुमले का हिस्सा होता है
मगर हमेशा जुमले से बाहर रहता है। आप कहते हैं अमृता में दर्द की गहराई थी, एहसास की सच्चाई थी, तो ये दर्द और ये एहसास मेरे मामले में कहाँ चला गया था कि वो एक मासूम बच्ची को एक वहशी शराबी के पास छोड़कर अपने महबूब के पास यानी आपके पास चली गई। आपकी बाहों में सिमट कर, आपकी छाती पर सिर रख के, आंखें बंद करके उसने सोचा भी नहीं कि कहीं एक बच्ची जाग रही होगी और एक नशेबाज बच्ची की आंसुओं से बेखबर शराब हाथ में लिए टीवी देख रहा होगा और मैच के हर गोल पर चिल्ला रहा होगा, ब्रावो ब्रावो। बड़े ईमानदार बनते हैं आप। ईमानदारी से बताइए, क्या आप और एंडी और अमृता मेरी माफी के हकदार हैं? क्या मैं आप लोगों से जो नफरत करती हूँ वो गलत है, झूठी है, बेबुनियाद है? बताइए बताइए, आई हेट यू। इसका जवाब जुल्फी देता है, एक काम करो, यहां आ जाओ, लखनऊ चलते हैं। अमृता का घर दीवान बहादुर की हवेली अब भी खड़ी है। ये अलग बात है कि ईंटें छड़ गई हैं, दरवाजों पर जो पीतल जड़ा हुआ था चोरी करके बेचा जा चुका है, वो समर हाउस जिसमें बैठकर अमृता स्टडी किया करती थी अब गिराया जा चुका है। हवेली का वो हिस्सा जिसमें लोग रहते थे गौशाला बन चुका है और अमृता के कमरे में गाय बांधी जाती। हमारे मुल्क में अजीम फनकारों की यादगारें इसी तरह रखी जाती। गालिब के मजार पर चरसी और शराबी, उस्ताद जौक की कब्र पर पेशाब खाना और अमृता के घर में गाय। मेरे लिए वो टूटी हवेली एक ऐसी जगह है जहां की जमीन पर सजदा जायज है, जहां की मिट्टी से तिलक लगाया जा सकता है। इसलिए नहीं कि वहां अमृता रहती थी, बल्कि इसलिए कि वो हवेली एक मरती हुई तहजीब, एक सिसकते हुए कल्चर का निशान। उस हवेली में कभी वो लखनऊ रहता था जिसमें हंसी थी, खुशी थी, फूल थे, खुशबू थी, दोस्ती थी, मोहब्बतें थी। चलो उस पुराने शहर में चलते हैं और यादों की ठंडी राह में ढूंढते हैं, शायद कुछ फूल हाथ आ जाएं। और अमृता और सोनिया जवाब देती है, अपनी यादों की राह का कलश तो हर आदमी साथ लेकर चलता है, लखनऊ जाने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह का ये पूरा बहुत ही खूबसूरत ताना बाना बुना था इस नाटक का, बहुत ही खूबसूरत। एक और छोटी सी एक लेटर जो जुल्फी बोलता है आखिरी आखिरी उसमें, वो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे दिल की हालत नहीं समझता, मगर जिंदगी के हर मसले का हल जिंदगी में ही नहीं निकलता और न लफ्जों से सारी लड़ाई लड़ी जा सकती। कुछ मोर्चे जानबूझकर छोड़ने पड़ते हैं। एंडी ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उससे जाहिर होता है कि वो कितना कम अपल। वो लोग जिनमें हीरो बनने की ताकत नहीं होती मगर दुनिया की नजरों में हीरो बनना चाहते हैं, वो विलन्स क्रिएट करते हैं, फिर उन विलन्स के खिलाफ जंग करके हीरो बन जाते हैं। उसने तुम्हें जीतने के लिए अमृता को विलन बना दिया, मगर बेवकूफ आदमी इतना नहीं जानता था कि अपने कद से 10 गुना बड़ा रावण बनाकर उसमें आग लगाने वाला राम नहीं बन जाता। मेरी दरखास्त है कि वो गलतियां मत करो जो एंडी ने की, मैंने की, अमृता ने की। अगर करना ही है तो नई गलतियां करो, पुरानी मत दोहराओ। कल अमृता का जन्मदिन है, दिल की अजीब हालत है, गरीब के चिराग की तरह शाम से ही बुझा बुझा सा है, पता नहीं कल होगी भी या नहीं। इस तरह की खूबसूरत खतों का ये सिलसिला था जिसका नाम था आपकी सोनिया। बहुत ही खूबसूरत था ये, और मुझे याद है आखिर में जो आखिरी का जो लेटर सोनाली पढ़ती थी तो वो इतना चोक हो जाती थी, उसके बाद में फिर बहुत मुश्किल होता था उसको वहां से, उस इमोशन से निकालना। बाहर बहुत खूबसूरत याद, ब्यूटिफुली रिटन। एंड जितना तुम्हारी अमृता ने जिस स्तर पर पहुंचाया था उस नाटक को, और वहीं से आगे पापा ने आपकी सोनिया को पढ़ाया। जी बिल्कुल। और भी कुछ नाटकों की चर्चा करें, कुछ एक नाटकों में आपने अभिनय भी किया है, तो
अगर उन जी अंशों को भी पापा ने जी हमारे लिए आपकी सोनिया लिखा, उसके बाद में काफी सारे हमको हमने नाटक किए उनके। हम सफर एक बहुत अच्छा नाटक जो अभी भी चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, बहुत खूबसूरत नाटक था वो। दो किरदारों का, दो पात्रों का था, ये कच्चे लम्हे के फौरन बाद हुआ था। बहुत अच्छा नाटक था हमारा वो। हम सफर था वो, उसमें वही कहानी है अगेन, एक डिवोर्स की कहानी है कि वो शुरुआत होती है पे एक डिवोर्स हो जाती है, और उसके बाद में उन 15-18 साल में वो जो दो लोग जो हैं वो किस तरह से अपना रिश्ता बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं और आते हैं, और इतनी इतनी सहजता से वो सारा लिख लिया जाता है। हम सफर चूंकि मैं इतना कर चुकी हूँ और पूरी दुनिया में इंटरनेशनली हम लोग कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हम दिसंबर में भी परफॉर्म करके आए हैं अहमदाबाद में। तो वाह उसको उसको लेकर, हालांकि अगेन उसमें दो ही किरदार, ऐसे वो कहानी बहती है, और जिस जिस तरह के हमारे पास लोग आते हैं बाद में नाटक को, के असर के अंदर, कि मुझे याद है बहुत अच्छे से कि एक मैं पृथ्वी से बाहर निकली, नाटक खत्म हो गया था, हमारे दो शोज थे, मैं बाहर निकली, रात में 12-12:30 बज रहा था, एक औरत खड़ी हुई थी एंड शी सेड कि आई वाज ओनली वेटिंग टू मीट यू। मैंने कहा हुआ क्या, जरा से डर गई वो, खूब रुआंसी सी, और मुझे उसने देखा और खूब गले लगी और लिपट लिपट के इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, और उसने मुझसे चुपके से कान में सिर्फ इतना कहा कि मैं इस वक्त से गुजर रही हूं, आपने मुझे रास्ता दिखा। कमाल का असर है इस नाटक में कि वाकई जिंदगी का बिल्कुल लगता है कि स्लाइस ऑफ लाइफ है। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक डायलॉग है जी जो हम लोग सब दोहराते रहते हैं, और वो ऐसा है कि वो इसमें जो मेल किरदार है वो कहता है कि मेरा साइकाइट्रिस्ट कहता है कि हर आदमी कोई भी काम करने से पहले उसकी ट्रेनिंग कर लेता है, तजुर्बा हासिल करता है, फिर अपनी जिम्मेदारी संभालता है, मगर शादी में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ऐसा नहीं होता, न ट्रेनिंग न तजुर्बा, बस जिंदगी गुजारते जाइए और सीखते जाइए। अब एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट ही है, कभी कामयाब होता है कभी नहीं होता है, और यही है जिस्ट हम सफर कहानी का, कि ये भी एक एक नाकामयाब रिश्ते की, एक नई नाकामयाब डिवोर्स की, मतलब एक रिश्ते की कहानी है, और ऐसे वो बढ़ती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगेन ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक जैसे हम फिल्म देख रहे हैं कि वो कब शुरू होता है कब खत्म हो जाता है। इस हम सफर के साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा ये हुआ कि हम लोग तीनों तो इसमें इन्वॉल्व थे ही, सलीम, मैं और पापा, एंड एकदम से गुजार करने कहा कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, तो हमने कहा अब हम कहानी पढ़ देते हैं, तो पापा ने पढ़ दी एंड उन्होंने कहा कि सलीम ने कहा कि जी आप मतलब जो कहें, बिकॉज ही सेड कि ठीक है। सलीम का ये था कि चूंकि वो 7-8 सीन्स हैं सारे, तो वो नॉर्मली एक छोटे छोटे से हमको ब्रेक्स चाहिए होते हैं बीच में, 2-3 सेकंड्स के चेंज ओवर्स के लिए, तो सलीम ने कहा कि मैं आपकी पोएम्स इस्तेमाल कर लेता हूँ, और तो बाबा ने कहा ठीक है तुम इस्तेमाल कर लो, सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं करो, वो आए और उन्होंने वो सारी नज्में अपनी रिकॉर्ड की अपनी आवाज में, जो हम सफर का यूएसपी है कि लोग वाह देखते हैं, हमें हमें देख रहे होते हैं, पापा के डायलॉग सुन रहे होते हैं, और गुलजार साहब की नज्मों उनकी आवाज में सराह रहे होते हैं, तो वैसा कंप्लीट पैकेज बना। अमेजिंगली वो जो एक इमोशनल कड़ी थी वो ऐसी जुड़ी दोनों के, यहाँ पर एक राइटिंग और वहां पर नज्में, वो ऐसा सलीम ने पूरा उसको एक एक उसकी कड़ियां जोड़ी कि वो लगता है कि वो नाटक का हिस्सा ही था, और आज भी ऐसे ही लगता है कि वो नाटक का हिस्सा है। तो वो कमाल का एक हमारे साथ में वो एक्सपीरियंस रहा, तो बहुत ही अच्छा
वो था, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मकाम पर आकर एक सोलोलोकी है उस औरत की, और वो कहती है कि हम दोनों अपने अपने रास्तों पर चले गए थे, और हमारे रास्तों की एक ही मंजिल थी, वो थी हम डिवोर्स। और आजकल डिवोर्स लेना कितना आसान हो गया है। शादी तोड़ना बहुत आसान हो गया है, बस एक पेपर पे आप साइन करिए और आपका डिवोर्स हो गया। मगर उसके साथ साथ और क्या टूट जाता है, ये अंदाजा लगाना उस वक्त बहुत मुश्किल होता है। 2 बरस हो गए हैं और मैं अपने अंदर के टूट फूट का हिसाब लगा रही हूं कि मेरा घर टूटने से कितने दिल टूटे। पता नहीं ये हिसाब किताब कब पूरा होगा, और पूरा होगा भी या नहीं। ये कमाल का एक एक हमारा नाटक है जो दिल से मेरे बहुत करीब है, बहुत ही करीब है। और मैं हम दोनों, हर छाया और मैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम ख्वाब में भी सोते सोते भी इसके डायलॉग्स बोल सकते हैं। और अमेजिंगली हमने जहां जहां इसे परफॉर्म किया है, ये जरूरी नहीं है कि इंडियन ऑडियंस ही थी, स्टेट्स में हमारा टूर हो रहा था इसका, हमने जहां जहां से परफॉर्म किया है, वो एक इमोशन, वो एक फीलिंग एक जैसी है पूरी दुनिया में, डिवोर्स इस शब्द को लेकर, या इस एक जिसने जिस जो भी इससे गुजरा है, या सिर्फ डिवोर्स ही नहीं, एक रिलेशनशिप में तनाव से गुजरा है, वो इतना आइडेंटिफाई करता है। तो ये एक यूनिवर्सल फीलिंग हमें हर जगह उसका एक्सपीरियंस हुआ है इस नाटक को लेकर, इतना असरदार है। जी, जी यह जावेद सिद्दीकी जी के उनकी जो कलम है उसकी ताकत भी है कि किस तरह वे जब बिल्कुल आंख उठाते हैं तो तुम्हारी बिल्कुल अमृता जैसा नाटक रच पाते हैं, जब बिल्कुल नफरत लेकर आते हैं तो तुम्हारी जी सोनिया, और जी जब तलाक जो एक सेपरेशन जी जो एक जी आज के समय की एक बड़ी सच्चाई जी है, बिल्कुल। सच्चाई है मुझे की। हमेशा ये लगता है कि हम जैसे एक्टर्स होते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम जो भी हम दूसरे दूसरे फील्ड में, जहाँ भी मैं काम करती हूँ, जो चूंकि हम लोग इतने अवेयर हैं, इतने ट्यून हैं कि भाई डायलॉग सही होना चाहिए, इमोशन बिल्कुल सही होना चाहिए, बिकॉज डायलॉग से ही वो ग्राफ आता है एक्टर को, जितनी मदद मिलती है, क्योंकि एक्टर खुद तो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि कोई शब्द उस तरह से शब्द ना बोले। तो पापा के डायलॉग्स इतने कंप्लीट होते हैं, उस पर्टिकुलर इमोशन और उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर माहौल में, कि बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम उनके डायलॉग्स बोल देते हैं तो वो बात पहुंच जाती है ऑडियंस। बिल्कुल मुझे एहसास होता है कि जैसे जैसे हम सफर में भी, जैसे हम दो किरदार हैं और एक तीसरा इनविजिबल किरदार है, और वो है पापा के डायलॉग्स, जो लोग बोलते बोलते बाहर निकल रहे हैं। ये कितनी वाह, कमाल की बात है इसी में, और मेरे साथ इसी एक नाटक में नहीं, हर नाटक में इसका एक्सपीरियंस हुआ है। पापा ने हमारे लिए बहुत सारे दूसरे नाटक लिखे। मुल्ला नसरुद्दीन लिखा, वही बहुत ही, हमने कहा कॉमेडी 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 चाहिए, तो वहां गुलजार साहब हमारे लिए ओ हेनरी के नाटक लिख कहानियां लिख रहे थे, यहाँ पापा ने हमारे लिए मुल्ला नसरुद्दीन लिखा। एक बहुत अच्छा नाटक था, एक हमने यंगस्टर्स के साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्य एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें पापा ने अपनी स्मॉल शॉर्ट स्टोरीज दी थी हमारे लिए, हमको करने के लिए, जिसमें 4 कहानियां थी पापा की, उसका नाम था पीले पत्तों का वन। बहुत एक आम बच्चे, यंगस्टर्स एक सिचुएशन के अंदर फंस जाए तो कैसे रिएक्ट करें, बहुत खूबसूरत वो कहानियां। ये कहानियां और ये नाटक पापा इसमें से कुछ इंटरकॉलेजियट के लिए भी लिख चुके थे, क्योंकि वो शॉर्ट स्टोरीज थी, और इन शॉर्ट स्टोरीज को हमने एक पीले पत्तों का बन नाम से उसे स्टेज पर परफॉर्म किया था यंगस्टर्स के साथ में। बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग काम हम लोग करते रहे आज तक। इनफैक्ट रात जो मैं कह रही थी नाटक, वो बहुत ही अच्छा नाटक था हमारा। रात अभी इनफैक्ट एक ऐसी कहानी है जिसमें ये जो कम्युनल राइट्स थे, कम्युनल राइट्स की एक
एक एक हादसा एक लड़की के साथ होता है, एंड वो उसे कैसे पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है लेकिन वो उससे निकल नहीं पाती है। तो और ये राइड्स के जो ये राइड्स थे इसके बीच में एक ये हादसा होता है, एंड ये पापा ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक लिखा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वक्त बदलता गया, ये इतने साल पहले लिखा गया था लेकिन आज भी राइट्स होते हैं और आज भी जब आप पेपर पढ़ते हैं तो आपको वही सब चीजें वही वही बातें रिपीट होती हुई दिखाई देती हैं। एट्रोसिटीज ऑन विमेन एंड जिस तरह से जो भी होते हैं, खैर मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। ये भी अगेन तीन तीन किरदारों की कहानी थी। एक विक्टिम, उसका हस्बैंड और जिसने और जो जो कल्प्रिट है वो। तो ये जो लड़की है ये बहुत ही एक प्यारी सी अल्लड़ सी अच्छी सी लड़की, एक अपने ख्वाबों में रहने वाली एक अच्छे घर की लड़की जिसको लगा कि सोशल वर्क से जिंदगी बदल सकती है, दुनिया अच्छी हो सकती है, दुनिया इतनी बुरी है ही नहीं क्योंकि उसने कभी बुरी दुनिया देखी ही नहीं थी। उसके साथ ये जो हादसा होता है वो अपना एक कन्फेशन लिखती है एंड में, और उस कन्फेशन की एक छोटा सा एक मैं पढ़ना चाहती हूँ पीस, और वो है उस कैरेक्टर का नाम है आशी, और वो बहुत सालों के बाद जब वो उस कल्प्रिट से मिलती है, उसकी आवाज से वो पहचान जाती है कि यही है वो आदमी जिसने इसका रेप किया था, जिसने इसको तकलीफ दी थी, जिससे वो कभी उभर नहीं पाई, जिससे इसकी जिंदगी तहस नहस हो गई है। वो उसे पकड़ लेती है और किसी तरह से उसे बंदी बना लेती है और उसे जाने नहीं देती है। और वो उसमें वो कहती है कि उससे कहती है कि तुम कन्फेशन लिखो अपना कि तुमने ये मेरे साथ में किया, और वो कहता है कि तुम कितने लोगों को, मुझ जैसे कितने लोग हैं, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तुम क्या मुझे पकड़ोगी या मुझसे कन्फेशन लिखवा के भी क्या कर लूं, तुम कुछ नहीं बदल सकती, तुम वो दुनिया बदल ही नहीं सकती जो सच्चाई है जो हकीकत है, बदलना है तो सिस्टम को बदल। ये कहानी का सार। तो उसकी एक जब वो अपना कन्फेशन लिख रही होती है उसका एक छोटा सा वो मैं पढ़ना चाहती हूँ, एक उसकी एक सिलोलोकी है। आशी कहती है, मैं आशी कबीर मर्चेंट जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं यही इसी देश में पैदा हुई, यही जवान हुई और यही मरना चाहती। मेरी आंखों को जब दुनिया देखने की समझ आई तो मैंने देखा कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, देखने और प्यार करने की चीज है। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं हवा का एक झोंका जो आजाद छोड़ दिया गया है, जिसका काम है घूमना फिरना और मनमानी करना। हवा का आजाद झोंका अपने आंचल में खुशबू समेट के बांटता हुआ भीगे जंगलों में नाचता गाता हुआ, बादलों को लेकर जमीन पर उतरता हुआ, हसीन चेहरों पर बाल बिखेरता हुआ, हवा का आजाद झोंका मैं। हाय क्या दिन थे, कितने प्यारे दिन थे। एक दिन अचानक पता चला कि मैं जिस जिंदगी को आज तक ठंडी हवा का नर्म झोंका समझ रही थी वो दरअसल में धुआं है, कड़वा मैला दम घोटने वाला धुआं, सुलगते हुए झोपड़ों का धुआं, बुझते हुए चूल्हों का धुआं, लाशों का धुआं, दिल से निकलता हुआ धुआं। मैंने पेपर्स में पढ़ा, टीवी पर देखा कि वो दुनिया, वो खूबसूरत दुनिया जिसमें मैं रहती थी चोरी हो गई है। अपनी दुनिया को खोजने के लिए मैंने सब कुछ किया, धरने दिए, भूख हड़ताल की, दरवाजे दरवाजे चंदा किया, पुलिस थानों में अस्पतालों में गई, हर एक से पूछा क्या तुमने मेरी दुनिया देखी है, जवाब में सबने एक ही सवाल किया, कौन सी दुनिया। इसके आगे बहुत लंबी एक लिखी है कि बहुत ही खूबसूरत डायलॉग के नाटक था।
अभी फिलहाल अभी हमने इसको एक यंग ग्रुप के साथ में बैंगलोर में इसको हमने किया, और वहां का रिस्पांस इतना अद्भुत था कि हम सोच नहीं सकते थे कि यंगस्टर्स भी आज की डेट में इस इसको समझते हैं। मुझे लगता है शायद आज वो ज्यादा इन बातों को समझ सकते हैं जितना हम शायद नहीं समझ पाते थे, क्योंकि आसपास यू इतना कुछ ये सब चल रहा है और इतना अफेक्टेड हैं ये लोग, और आज तो खैर बोलते भी हैं, उनके पास जबान भी, पहले तो शायद हमारे पास जबाने भी नहीं। इसका एक जो रात नाम है, जो इसका टाइटल दिया गया है, उसका एक इतना खूबसूरत जस्टिफिकेशन है और इतनी इतनी गहरी बात चार शब्दों में पापा ने कही है, मैं जरूर इसको बोलना चाहूंगी। कि वो कहती है कि उनसे कहो कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, एक जरा सी रोशनी उसका गुरूर तोड़ सकती है। एक टूटता हुआ तारा, एक माचिस की तीली, पिस्तौल का एक शोला बहुत है उसका गुरूर तोड़ने के लिए। ये खूबसूरत बात कही, एंड दैट इज द समिंग अप ऑफ दिस प्ले कॉल्ड रात। करेक्ट हाँ जी। मित्रों हम देख रहे हैं कि लुबना सलीम जी लगातार कई नाटकों के हवालों से अपनी बात रख रही हैं, और जो अभी ये कह रही थी कि किस तरह नई पीढ़ी भी इन नाटकों के साथ जुड़ रही है, इन विषयों के साथ, इस भाषा के साथ, तो मुझे लगता है लुबना जी कि अगर अच्छी चीजें हम लोगों तक पहुंचा सके, जो आप जैसे लोग कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर इसके प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कोई इसमें शक की बात नहीं है कि हम एक बड़ी पीढ़ी को, आज की पीढ़ी को भी अपने साथ जोड़ सके। बिल्कुल आप स्वयं इसी जी हाँ कहें जी। जी मैं कह रही थी कि इसी इसी कड़ी को हम जब यंगस्टर्स की बात करते हैं तो एक हम कुछ सालों से हमने एक जब हमारा थिएटर प्रोडक्शन हमारा ग्रुप जो था वो जब 10 बरस का हुआ तो हमने प्रॉमिस किया था कि हम यंगस्टर्स के साथ बहुत काम करेंगे, तो हम साल में एक नाटक जरूर यंगस्टर्स के साथ में करते हैं और उन्हें वो स्टेज देते हैं, मतलब पृथ्वी थिएटर जैसा या ऐसा कोई एक बड़ा स्टेज देते हैं जहाँ पे वो अपना अपना एक प्लेटफॉर्म जिसमें उनको कॉन्फिडेंस आए कि वो काम कर सकते हैं, जिस जो ख्वाब लेकर वो लोग इस दुनिया में आते हैं, वो ख्वाब शायद शायद उसकी नींव या उसका एक पहला कदम अगर हम उन्हें दे दें तो शायद वो उससे उससे परवान वो चढ़ सके। यंगस्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही में एक नाटक बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ और आप सभी लोग जानते भी हैं उसके बारे में कि गुड़म्बा नाम का एक नाटक पापा ने लिखा और उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रही। इतना कुछ पापा लिखते रहते हैं और रिलेशनशिप्स के बारे में लिखते रहते हैं और लोगों के खाके बनाते रहते हैं और कुछ सालों से मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैंने एक साल से नाटक किया नहीं था, ये 2 साल पहले की बात है, कि मुझे मेरे अंदर एक 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 होता है एक मिड एक्टर क्राइसिस एक जैसी कुछ हो गया था कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को रिपीट कर रही, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कोई अपनी बात बोल नहीं पा रही हूँ, एक अंदर अंदर से एक कुढ़न सी हो रही थी कि इस दायरे से कैसे निकला जाए, क्योंकि काम वही है, आप वहीं जाएं रोज सुबह, आप वैसे ही नाटक वैसे ही काम करें, वैसे ही आप सीरियल में सुबह से जाएं शाम में आएं वो वही किरदार निभा रहे हैं, वही वही करते रहें, कोई एक इंसेंटिव नहीं मिल रहा था। मैं बहुत सारे लोगों बहुत सारे राइटर्स के पास मैं मिली जाकर कितने ही लोगों के साथ में कि प्लीज मुझे कुछ लिख के दीजिए, कुछ नया कुछ कंटेम्प्रेरी, मुझे कुछ पुराना नहीं करना था, आई वांटेड टू डू समथिंग न्यू, जो मेरी बात हो, आज की बात हो, आज की औरत की बात हो, आज के इश्यूज की बात हो, आज की रिलेशनशिप्स की बात हो। तो ऑब्वियसली कहते हैं कि फैमिली हमेशा काम आती है और वही हुआ मेरे साथ में कि
सब जगह भटकी, और एक दिन मैं पापा के साथ में बैठी हुई थी, यही कह रही थी कि पापा मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ अंदर से बोलना है और मुझे किसी के साथ नहीं बोलना है, आई जस्ट वॉन्ट वो जो अंदर मेरे जो वो एक मवाद सा है वो मुझे निकालना है बाहर। एंड मुझे लग रहा है कि मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो माई बेस्ट फ्रेंड इज माई फादर, वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं और अनकही बातें समझ जाते हैं, मेरे दोनों माँ बाप कमाल की मेरी जिंदगी रही है। आई एम सो लकी आई कैन नॉट टेल यू, एंड आई एम नॉट ओनली मी, ऑल दोज पीपल जिन जिनसे पापा का ऐसा रिश्ता और रिश्ता रहा है। तो मुझे लगता है पापा समझ गए, और 2 साल पहले उन्होंने मेरी बर्थडे पर मुझे ये गिफ्ट किया, ये नाटक मेरा गुड़म्बा, ये एक सोलो परफॉर्मेंस है, 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस है और ऐसी मजेदार परफॉर्मेंस है, और इसमें वो सारी आज की बातें हैं। एक यंग मुस्लिम लड़की की कहानी है जो एक जिंदगी को उस तरह से जीती है जिस तरह से जीना चाहिए, मतलब उसके लिए वो बड़ी सहज है, जिंदगी इज नॉट कि बड़ी मुश्किल होती है या बड़ी सोच विचार के साथ में जीना चाहिए, या फिर ऐसे इस ये औरत जो है अमीना इसका नाम है ये कैरेक्टर का, एक बहुत ही ऑर्डिनरी कहानी है, बहुत ही ऑर्डिनरी लोगों की कहानी है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो पापा ने बनाया है अपनी अपनी राइटिंग से, कमाल का ये है, एक बिल्कुल ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू, एक मतलब पापा के शब्दों में कहा जाए तो वो ये कहते हैं कि ये गुड़म्बा जो है ये एक हर किसी के जिंदगी में दुख सुख आते हैं, लेकिन यही दुख और यही सुख को अलग नजरिए से देखने की जो कोशिश है वो है गुड़म्बा। और मतलब कि जिंदगी में कोई सेट रूल्स इस तरह से नहीं होते, जिस तरह से जिंदगी देखी जाती है वैसे ही जी भी जा सकती है, कोई उसके पीछे फिलोसफी और उसके आगा आगाया पीछाया की कोई जरूरत नहीं होती है, और वहीं पर हमारा सुख है, वहीं पर हमारा एक बिकम इक्वल इन एंड एंड सेटिस्फाइड इन आवर लाइव्स। एक उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वो था, एक क्यूट सा उनका, मैंने कहा इसको, हाँ एक यंग लड़की की, मुस्लिम लड़की की कहानी है जो आज की लड़की है, और 18 बरस की उम्र में उसकी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल जाती है, और आपने पापा के बहुत सारे खाके पढ़े होंगे, हजियानी जानते होंगे, और वो एक माहौल जो पापा बना देते हैं लखनऊ का और यूपी का और मुस्लिम का और उसका, वो बहुत ही एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल हमारे सामने, हम जानते नहीं है लेकिन हम वो जी रहे हैं, इसी तरह से ये किरदार बनाया है पापा ने इस लड़की की सास का, और वो इतना मजेदार कैरेक्टर है कि मैं उसको फटाफट पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ, आपके पास समय होगा? नहीं नहीं बिल्कुल, आप आराम से कीजिए जी और जी खुशबू आपके उस अभिनय को भी देखना चाहेंगे। जी इसमें चूंकि वो सोलो परफॉर्मेंस है और मैं खड़े होकर मतलब ये सारे किरदार निभाती हूँ, और इसमें बहुत, अभी मैं बैंगलोर में इसे परफॉर्म कर रही थी 2 हफ्ते पहले, एंड जो जो हमारे जिन्होंने हमें इनवाइट किया था उनके साथ एक डिनर था हमारा, और मैं उनसे यही ऐसे ही पूछ रही थी कि अच्छा वो लोग एकदम से बातें करने लगे, कुड़म्बा में ये कुड़म्बा वो कैरेक्टर वो कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, और तो आप यकीन मानिए कि वो सारे यंगस्टर्स थे और वो सारे जो थे वो सब एक-एक अपने फेवरेट्स चुन रहे थे, और उसमें से वाह सबसे जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो था, एक छोटा सा रोल है अब्दुल का, और एक थी ये सास, उस सास का इंट्रोडक्शन आपको सुनना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन है उसका। अब वो ये लड़की खुशी खुशी से ससुराल चली जाती है, और फिर वो ससुराल की अपनी बात करती है कि मेरी ससुराल खासी बड़ी थी, दो नंदे थी, दो देवर थे, एक ससुर थे, मगर जो चीज सबसे बड़ी थी मेरी ससुराल में
वो थी मेरी सास। वो हर एतबार से बड़ी थी, माशाल्लाह 150 किलो उनका वजन था, लंबाई चौड़ाई भी काफी थी, शलवार पहनती थी जिसमें सिर्फ 4 मीटर कपड़ा लगता था। आवाज तो उनकी इतनी बड़ी थी कि बालकनी में खड़े होकर किसी शरीर बच्चे को डांट देती थी तो पुलिस वाले आ जाया करते थे कहीं राइट वाइट ना हो गया। अफसोस कि उनका दिल बड़ा नहीं था। लेन देन का मामला यूं था कि लेन को वो मानती थी और देन को पाप समझती। मैंने उन्हें कभी कुछ देते हुए नहीं देखा सिवाय दुआओं। उनका वाह कहना था कि किसी भी चीज को फेंकना नहीं चाहिए, वो कभी ना कभी काम जरूर आती है। इसीलिए घर में दो बड़े बड़े फ्रिज थे जिनमें बड़े बड़े छोटे बड़े प्लास्टिक के सैकड़ों डब्बे रखे रहते थे, और आप जरा सी कोशिश करें तो ऐसी ऐसी नायाब चीजें मिलती थी कि अकल जो है वो सर पकड़ कर बैठ जाए। परसों रात की दाल, पिछले हफ्ते का पुलाव की बोटी, 1 महीने पुराना खिचड़ा, ऐसी कोई चीजें फ्रिज में कोई संभाल के रखता है भला? हमारी सास रखती थी। एक दफा कमाल हो गया, एक कांच के प्याले में एक सफेद पत्थर मुझे मिला। मैं गई उनके पास में और मैंने उनसे पूछा, अम्मी जान ये क्या है? तो उन्होंने प्याले को घुमाया और बड़े गौर से देखा, फिर अचानक हंस के बोली, अरे बहू ये शीर खुरमा है, जम गया था, ईद में बच गया था तो रख दिया है। मैं तो हैरान हो गई, ईद का शीर खुरमा? मैंने कहा, अम्मी जान अभी तो दूसरी ईद आने वाली है। अरे हाँ भाई, उन्होंने फिर से वो 10 महीने पुराना शीर कोरमा देखा, सूंघा, उसे हिलाया और कहा, अब बिल्कुल ठीक है, संभाल के रख दो, वो मिसेस खान आने वाली है शाम में, गरम करके दे देना, उन्हें मेरे हाथ का शीर कोरमा बहुत पसंद। इस तरह का वो वाह कैरेक्टर। वाह अब आप मेरी बातों से ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि मेरी सास बड़ी भद्दी बदतमीज कंजूस थी, लेकिन देखिए ऐसा मैं तो नहीं कह रही हूँ। उनमें दो कमजोरियां थी, उनमें दो कमजोरियां थी जो सब में होती हैं, लेकिन उनमें दो अच्छाइयां भी थी, एक अच्छा खाना और एक अच्छा गाना। और जहां इन दोनों का मौका पड़ जाता था वो फौरन वहां पहुंच जाती। वो कहती थी कि खाना पेट की गिजा है और गाना रूह की गिजा है, लेकिन उन्हें आजकल के गाने बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहती थी कि आजकल की लड़कियां, उन्हें गाना आता ही नहीं, सुर पकड़ के लटक जाती हैं और समझती है गाना गा रही है। गाना तो हमारे जमाने में हुआ करता था, एक से एक अच्छे गाने, और वो फौरन अपने पुराने पुराने गानों शुरू हो जाती थी गाना। एक उनका गाना था बहुत अच्छा, तूफान मेल, दुनिया ये दुनिया तूफान मेल, इसके पहिए जोर से चलते और अपना रास्ता तय करते, एक है आता और एक जाता, पल भर का है मेल, दुनिया ये दुनिया तूफान मेल। सच वाह पूछिए तो ये जिंदगी भी तूफान मेल ही है, एक ऐसी ट्रेन जिसमें हम सब सफर कर रहे हैं, कौन कब कहाँ उतर जाता है नहीं कह सकते, मगर अपने पीछे उन लम्हों की खट्टी मीठी यादें छोड़ जाते हैं जो साथ गुजारे। खट्टी मीठी, खट्टी मीठी पे याद आया कि एक दिन मेरी सास ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा, बेटिया तुम्हें गुड़म्बा बनाना आता है? मैंने कहा, है ये क्या हो गया, गुड़म्बा कोई नाम है? है बिल्कुल ऐसा गाली नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे तुम आदमी हो या गुड़म्बा। खैर मैंने उनसे पूछ लिया, वाह अम्मी जान गुड़म्बा क्या होता है? तो वो मेरी सास इतना नाराज हुई मुझ पर, कहने लगी, उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैंने उनकी इज्जत का गुड़म्बा कर दिया। फौरन बोली, कैसी बातें करती हो बहू, ए तुम गुड़म्बा नहीं जानती? नहीं अम्मी जान, कसम ले लीजिए मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना है। बहुत देर तक मुझे घूर घूर के देख रही, शायद सोच रही होंगी कि या मुझे डांटे या मेरी बात को सच समझ जाए। फिर बहुत सोचकर उन्होंने बोला, ए तुम्हें सचमुच मालूम नहीं कि गुड़म्बा क्या होता है? नहीं अम्मी जान, गुड़म्बा क्या होता है? अब इस जवाब के बाद किसी सवाल की जगह ही नहीं थी, इसलिए मैंने हथियार डाल दिए और उनसे कहा कि ठीक है मैं बना दूंगी गुड़म्बा, आप बता दीजिए कैसे बनता है। पता चला कि गुड़ में कच्चे आम डालकर पकाए जाते हैं, जिससे एक अनोखी चीज तैयार होती है जो ना खीर की तरह जमी हुई होती है और ना शरबत की तरह पतली होती है, जिसे पिया भी जा सकता है, जिसे खाया भी जा सकता है, और इस
खट्टी मीठी चीज को कहते हैं गुड़म्बा। और यही खट्टी मीठी जिंदगी और मतलब स्लाइस ऑफ लाइफ इज द प्ले कॉल्ड गुड़म्बा। बहुत खूबसूरत किरदार है इसके अंदर, बहुत मजेदार हल्की फुल्की कहानी, इतने मजेदार किरदार हैं इसमें कि हंसते हंसते लोटपोट हो जाए आप लोग। और जिंदगी की इतना बड़ा एक जैसे आखिर वो कहती भी है कि जिंदगी का नाम ही गुड़म्बा रख देना चाहिए, क्योंकि शर्त ये, हम मतलब हम जिस तरह चाहें अपनी जिंदगी जी सकते हैं, शर्त ये है कि उसमें सारे स्वाद हो गुड़म्बा की तरह, कुछ खट्टा भी हो कुछ मीठा भी, इसलिए जिंदगी का नाम गुड़म्बा रख देना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे साथी विजय पाल जी यही बात लिख भी रहे हैं कि सुने जा रहे हैं अच्छा और हंसे जा रहे हैं। पापा की सिलसिला लंबा चला गया है, लेकिन एक हम कहते हैं उर्दू और पापा उर्दू के राइटर हैं, लेकिन मैं ये जरूर आज आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि उर्दू सिर्फ मतलब वो एक जबान नहीं है। पापा के डायलॉग्स के अंदर जो जो जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में पहुंच सकती हैं। पापा ने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक नाटक उन्होंने लिखा था श्याम रंग, वो मुझे याद आ रहा है, और उसी से मैं आज का वो कंक्लूड करना चाहूंगा चाहूंगी कि एक उर्दू राइटर जो मतलब लेबल लेके यहाँ पे ये उर्दू बहुत अच्छी लिखते हैं और मेरे लिए कभी भी मैंने पापा को कभी एक सिर्फ उर्दू राइटर के नजरिए से नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये वही इंसान है जो जो तहजीब और मम्मो जैसी फिल्म भी लिख रहे हैं और बनारस जैसी फिल्म भी लिख रहे हैं, बागी भी लिख रहे हैं, अशांति भी लिख रहे हैं और सोनी महिवाल लिख रहे हैं और उसी समय चक्र जैसी एक फिल्म भी लिख रहे हैं। तो उनका गैमिट इतना बड़ा है कि उसको एक किसी लैंग्वेज के अंदर आप महदूद नहीं कर सकते। ये एक नाटक उस बात का गवाह है। वो इसलिए है क्योंकि जब ये नाटक पापा के पास आया और पापा ने जब सोचा कि मैं श्याम रंग लिखूं, श्याम रंग एक कहानी, एक वो मुलाकात जो कभी हुई ही नहीं, राधा और कृष्ण की कहानी, वाह ये वो एक मुलाकात अगर हो जाती, जब जब कृष्ण गए वृंदावन से तो वो कभी राधा से मिले नहीं, उसके बाद भी हम राधे श्याम कहते, तो वो क्या बात थी उस, इन वन ऑफ द बिगेस्ट, इफ यू लुक एट इट, द वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द रिचेस्ट लव स्टोरीज वी हैड इन 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 आर माइथोलॉजी एंड इन आर इन दिस सेंचुरी। सो उस के लिए पापा ने इतनी रिसर्च की और मतलब गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ा, काफी कुछ उन्होंने उस पर लिखा। 4 साल तक वो लगे रहे और पापा उन वो जो परफेक्शनिस्ट में से हैं जो जब तक के ही इज एब्सोल्युटली श्योर अबाउट थिंग्स ही विल नेवर पुट इट ऑन पेपर। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब कुछ लिख रहे होते हैं पापा तो एक मीटिंग पूरी फैमिली के साथ में होती है और पहली बार वो नाटक या वो जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो फैमिली के सामने पढ़ा जाता है और हम सब एक दूसरे के इतने बड़े क्रिटिक्स हैं कि हम सच बोलते हैं। तो और हमें वही बात बहुत अच्छी लगती है, शायद इसीलिए हम संतुलित हैं, हम लेवल हेडेड हैं और हम आज की दुनिया में जिस तरह से जीना चाहिए नॉर्मली वैसे नॉर्मल लोगों की तरह जी सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, हमने एक पापा ने हमेशा से ये हमारे साथ में किया है कि वो कुछ भी अच्छा लिखा है या मेरे पास कुछ भी कहने के लिए, या सलीम के पास कुछ हो या अमित के पास कुछ हो या मुराद समीर के पास कुछ हो, तो हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में वो सारी बातें। तो हमारा जो फीडबैक होता है वो इतना सच्चा होता है कि हमें जरूरत नहीं पड़ती है ऊपरी चीजों की या बाहरूनी बाहर से सपोर्ट सिस्टम्स की। पापा ने जब ये लिखा नाटक तो ऐसी उन्होंने हिंदी इस्तेमाल की है उसके अंदर कि जब
ये जो इसके जो प्रोड्यूसर थे वो जब आए और जब पहली रीडिंग में आई रिमेम्बर परेश रावल और सब बैठे हुए थे, एंड उनको एक तो ये एहसास ही, उनको उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जावेद सिद्दीकी एक ऐसा नाटक इतना खूबसूरत बयान लिख सकते हैं, इतनी वाह शुद्ध प्योर खूबसूरत हिंदी। उसका आखिरी का क्या पोर्शन है, जैसे मैं आपको बताया कि ये कहानी जो है कि वो मुलाकात है जो कभी हुई नहीं, और अगर हो जाती तो उनका उन दोनों के बीच में जो एक लेन देन होता फीलिंग्स का, वो क्या होता, तो वो मैं एक आखिर पढ़ना चाहती हूँ, एंड इससे मैं कंप्लीट करनी चाहती हूँ अपनी बात। कि कृष्ण कहते हैं, राधा उनसे मिलने आती है आखिर में, और कृष्ण उनसे कहते हैं, तू इस तरह व्यवहार मत कर जैसे मुझसे कोई भूल हुई ही नहीं, मुझसे प्यार भरी बातें मत कर, वो कर जो तुझे करना चाहिए, रो चिल्ला ताने दे, मुझसे पूछ कि तेरे साथ जो कुछ भी किया वो क्यों किया, पूछ कि मैं तेरे पास क्यों नहीं आया, पूछ कि एक संदेशा भी क्यों नहीं भेजा, पूछ कि तू जो गीता ज्ञान की प्रेरणा देने वाली है, तेरा नाम किसी भी पन्ने पर क्यों नहीं है, पूछ राधे, पूछ जो तेरे मन में है, पूछ। अब वो कहती है, कान्हा तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना होता तो अवश्य पूछ ले, परंतु तुम्हारा जीवन तो दूसरों के लिए, मैं स्वार्थी बनकर पूछूं तो भी क्या पूछूं, मांगू भी तो क्या मांगू, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना है ही क्या जो दे सकूं, आज तक दूसरों के सुख के लिए दुख उठाया, दूसरों को राह दिखाने के लिए खुद भटकते रहे, दूसरों को जीवन दान देने के लिए अपनी जान दांव पे लगाते रहे, मथुरा में कंस, मगध में जरासंध, कुरुक्षेत्र में कौरव, इन सबसे किसके लिए लड़े, क्या अपने लिए, तुम्हारे यमुना पार करने से द्वारकापुरी आने तक एक एक पल का हाल मालूम है मुझे, फिर क्या पूछूं, परंतु हाँ एक बात जरूर पूछूं, बचपन से बुढ़ापे तक धर्म युद्ध, वो भी दूसरों के लिए, उससे तुम्हें क्या मिला। कृष्ण कहते हैं, मिलना और ना मिलना, लाभ और हानि, जीत और हार, इनके विषय में सोचना मेरा काम नहीं है, मैंने अपने कर्तव्य का जो संसार बनाया है उसमें बाहर निकलने का द्वार बनाना भूल गया, इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि मोर्चे जीते जाएंगे हारे जाएंगे, ये तो चलता रहेगा, ये अंतिम महाभारत नहीं है राधे, इस कुरुक्षेत्र के आगे भी बहुत से कुरुक्षेत्र जिन्हें रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कौरव को नहीं रोका जा सकता, पांडव को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि भीष्म द्रोण और अंधे धृतराष्ट्र को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि झूठ धोखे और हिंसा की राजनीति को नहीं रोका जा सकता, जीवन के हर मोड़ पर एक कुरुक्षेत्र का बनना तब भी बंद होगा राधे, जब मनुष्य की आत्मा में जो अधर्म धर्म का द्वंद हो रहा है उसमें धर्म विजयी हो जाए, ये बहुत ही खूबसूरत उसमें आखिर का एक कृष्ण का कृष्णवाणी पूरी, और वो कहते हैं राधे उनके लिए उनकी मुरली उनके फूल और मिट्टी द्वार की वो सब लेकर आती है उनके लिए, और वो गदगद हो जाते हैं, उन्हें नहीं उन्हें 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 समझ में नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करें, और वो फिर ये कहते हैं कि राधे मैं यहाँ नहीं हूं, मैं अपने जंगल में हूं, मेरे पांव मिट्टी में छुपे हुए हैं और सर तेरी गोद में रखा है, मैया पुकारे तो कह देना कि मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं। एकदम से वो उठ जाते, करवटे बदलते हैं, घबराते हैं, राधा परेशान होती है, उनसे पूछती है, क्या हुआ कान्हा, क्या हुआ कान्हा, कोई बुरा सपना देखा। कृष्ण, पता नहीं वो क्या था राधे, शायद सपना ही था, मैंने देखा कि वृंदावन के जंगल में अकेला खड़ा हूं, मेरे सामने यमुना है, मेरे पीछे गोवर्धन है, नदी से आती ठंडी हवा के झोंके कदम के पेड़ों से गुजरते हैं तो मुरली की आवाज सुनाई देती है,
पीपल के पीले पत्तों पर दिए जल रहे हैं, कुमुद के फूलों से महकता हुआ धुआं उठ रहा है और चांदी के छोटे छोटे टुकड़े पानी में तैर रहे हैं। तट की गीली रेत पर किसी ने कुछ लिखा है। मैं पढ़ने के लिए आगे झुकता हूँ, एक राजकंवल मुझे अपनी गोद में खींच लेता है, एक खनकती हुई हंसी सुनाई देती है जैसे गाय ने सर हिलाया हो और घुंघरू बोल रहे हो। मैं पलट कर देखता हूँ सॉरी मैं पलट कर देखता हूँ, वहां कोई नहीं है, परंतु हंसती भी पड़ती जाती मुरली की धुन लहरों की आवाज, बैलों की घंटियां, बादल की गरज। वो कहते हैं कर्तव्य क्या है, राजनीति का जी अर्थ क्या। मैं बोलने के लिए मुंह खोलता हूं और मुझसे कुछ नहीं बोला जाता, परंतु मैं जानता हूं कि दुनिया मुझे पूर्ण पुरुष कभी नहीं कहती। मैं तुम्हारा आभारी हूं राधे कि तुम मेरी पूरक, तुम्हारे लिए कृष्ण आज पूरा होता है। बहुत खूबसूरत ये देखा, बहुत ही खूबसूरत। I'm sorry, मेरी आवाज जी चली गई। कोई बात नहीं मित्रों, देख रहे हैं कि किस तरह लुबना जी ने जावेद सिद्दीकी जी के शब्दकार के बड़े रेंज को हमारे सामने रखा, और इतनी देर तक लगातार बोलना आसान नहीं है, मगर एक मंजी हुई अभिनेत्री जो सोलो परफॉर्म भी करती हैं, तो उन्हें तो लोग अधिक से अधिक सुनना ही चाहेंगे, और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। एक प्रतिक्रिया मैं ले रहा हूं, सुधा अरोड़ा जी जो एक हमारी वरिष्ठ लेखिका, तो वे बॉम्बे भी रहती हैं, बेंगलोर भी रहती हैं, और आप देखिए बेंगलोर से अभी आई भी हैं। सुधा अरोड़ा जी लिख रही हैं, लुबना को मैंने रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी आखिरी खत के नाट्य रूपांतर में देखा, आज तक भूल नहीं पाई, अद्भुत प्रस्तुति पर्दे पर और स्टेज पर साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत तो ऐसे शुक्रिया। कई, जी ऐसे कई प्रतिक्रियाएं इस बीच हमें मिली। स्मिता शर्मा जी, रिंकी जी, ब्रजेश मनी जी, उदय भानु पांडे जी, रिजवानुल हक जी, तारा सिंह जी, अमिता सिंह, विजय पाल, नेहा ठाकुर बनर्जी, पद्मा त्रिपाठी और उमा शर्मा जी, और हमारे लौंगवीर इंगिती जी, अंशुमति और कुछ लोग, श्याम सुशील, अलग अलग क्षेत्रों के लोग साहित्य से और रंगमंच से, अभिनय से, तमाम लोग जुड़े हुए हैं और इस बातचीत को सुन रहे हैं। मित्रों, हमने बहुत देखा कि जो शब्द हैं, जब उसे सही अभिनेता और अभिनेत्री मिल जाए तो वे कैसे और जीवंत हो उठते हैं। और जावेद सिद्दीकी जी की ताकत, लुबना और उनके दूसरे बच्चे हैं, सलीम आरिफ हैं, और तमाम लोग हैं, अमित हैं, कई लोग आप यहाँ सुन भी चुके हैं, उनकी बेटियों को, उनके दामादों को। और ये बेटियां और दामाद नहीं है या बेटे नहीं है, ये अपनी अपनी कला के बड़े महारथी हैं। अभी एक वेब सीरीज के लिए लुबना जी को एक बड़ा पुरस्कार भी दिया गया, उसमें अभिनय के लिए, उसके बारे में दो शब्द कह दें, वह भी एक महत्वपूर्ण वेब सीरीज है, कई उसके खंड बने हैं, ग्लोब, क्या नाम है उस पुरस्कार का, गोल्ड, एक बड़ा जी पुरस्कार जो, जी ये मुझे मिला है आम आदमी फैमिली, कहने को आम आदमी पार्टी से कोई हाँ ताल्लुक नहीं है इसका, एक आम आदमी की आम जिंदगी की कहानी है ये। इसके 4 सीजन्स हो चुके हैं और मुझे 3rd सीजन के लिए गोल्ड अवार्ड अभी मिला है थोड़े दिन पहले।
उसके परफॉर्मेंस के लिए। एक बड़ी आम सी कहानियां हैं कुछ आजकल की जिंदगियों की, और ये वेब सीरीज है तो ये Z5 पर है और शायद YouTube पर भी है, तो आप लोग अगर चाहें तो जरूर देखिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बिल्कुल आप रिलेट कर पाएंगे उससे। इट्स जी, अ स्लाइस ऑफ लाइफ जी। तो अलग-अलग जगहों पर हम लुबना जी को देखते हैं, या कई ऐसी चर्चित फिल्में हैं जहां आप इन्हें बतौर अभिनेत्री देख रहे हैं या देखते हैं, सराहते हैं, मगर रंगमंच के साथ और साहित्य के साथ इनका संबंध भी कितना गहरा है इसे हम देख सकते हैं। भाई, एक अभिनेता या एक अभिनेत्री खुद कह रही हैं कि धारावाहिकों में हम पैटर्न रोल करते हुए और एक खास तरह के खांचे में बंधे हुए अभिनय को करते हुए हम कई बार बोर होने लगते हैं, और कई कई जिसे हम प्रो एक्शन कहेंगे एक अभिनेता का, वह दिखाते हुए स्वयं रचनाकारों के पास जाती हैं, लेखकों के पास जाती हैं कि हमें कुछ ऐसा दीजिए कि मैं इस बंधे बंधाए जो रोल है इससे बाहर आ सकूं। और वहां आते हैं जावेद सिद्दीकी जी और कई और दूसरे नाटककार भी जुड़े हुए हैं, कई और जगहों पर भी लुबना जी काम करती हैं, कई और नाटकों का मंचन किया है, ओ माय गॉड जैसी फिल्म इनकी इतनी चर्चित फिल्म रही। मगर यह भी देखिए कि एक परिवार में एक पिता के लिए, जावेद सिद्दीकी जी के लिए भी एक कितनी बड़ी बात है कि उनकी बाद की पीढ़ी कैसे उनसे मांग मांग कर उनके उनकी रचनाओं को ले रही है। ऐसे संयोग और भी परिवारों में हैं लुबना जी, मगर उनकी संख्या कम है। ऐसे हमारे कई साहित्यकार मित्रगण हैं जिनके बच्चे भी साहित्य से और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, मगर वह संख्या बहुत ज्यादा हो ऐसा नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि यह एक बड़ी बात है, और आप जैसे लोग जो जोड़े हुए हैं शब्द को अभिनय के साथ और अलग-अलग जगहों पर उसको ले जा रहे हैं। जावेद सिद्दीकी स्वयं इसको लेकर बड़े सजग हैं कि उनके नाटकों में इतनी प्रॉपर्टी नहीं हो, इतने चरित्र नहीं हो कि उन्हें कहीं से कहीं और ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आए। फिर भी एक वक्त था कि जब पूरी की पूरी बोगी जो है यहां से वहां सफर किया करती थी, और रमेश तलवार जी ने उस पूरी कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से यहीं पे रखा। मगर जावेद सिद्दीकी एक व्यवहारिक व्यक्ति भी हैं, और वक्त के साथ जब उन्हें लगा कि चलिए भारत में संभव है लेकिन विदेशों में जाना हो तो एक बहुत बड़ी संख्या को लेकर चलना या कई सारी प्रॉपर्टीज को लेकर चलना शायद उतना आसान नहीं हो, तो उन्होंने कम चरित्रों में ऐसी गुथी हुई कहानी को प्रस्तुत किया जिससे लोग बंधे हुए हैं, जिसके भी आपने कई उन नाटकों की चर्चा की। जी, जी इसको नाटक उन्होंने जी काफी सारे लिखे, उनमें मतलब ऐसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि पापा सिर्फ 2 लोगों का या 3 लोगों का ऐसा कोई नाटक दे दीजिए। नाटक उन्होंने बहुत अच्छे, राक्षस एक नाटक था उनका जिसमें आई थिंक जो 35 किरदार थे। एक नाटक है उनका लाल मिट्टी, जो अभी तक उसका मंचन हुआ नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पॉइग्नेंट प्लेज दैट ही हैज रिटन। इट्स लाइक अ ह्यूज म्यूजिकल ड्रामा वो लिखा है पापा ने, और सैडली थिएटर में अब ये हो गया है कि चूंकि इकोनॉमिक्स उसकी अब बनती नहीं है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतने बड़े बड़े नाटक का मंचन करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो जिस तरह से हम थिएटर हम अपने सिर्फ पैशन के लिए करते हैं, हम सिर्फ एक जैसे मैंने आपसे कहा कि हम कुछ कुछ एक इधर कुछ गड़बड़ हो जाती है इसलिए हम वापस आते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, दुनिया जीते हुए और वापस आते हैं थिएटर में। कोई एक एक जुनून, एक पागलपन चाहिए उसके लिए, बिकॉज थिएटर पे आप सर्वाइव तो नहीं कर सकते। वो जुनून शायद इसलिए भी है क्योंकि जो भी इंसान सच्चा हो अंदर से, दिल से, और जो जिसके पास ये एक एक वेपन हो
थिएटर, वो जरूर अपनी बात कहना चाहेगा, नो डाउट. यू नो नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, यू नो एवरीबडी, जो मतलब आप जिस एक्टर को ललित दुबे, जिस एक्टर का आप नाम लीजिए, वो वापस थिएटर में जरूर आया है. सिर्फ यू नो वो एक एंग्स्ट, वो एक अंदर से जो वो एक मैडनेस है, जो जिंदगी जीने का, और जो जो 3 घंटे की जो का जो वक्फा होता है हमारे लिए, वो जो जीते हैं और वो खत्म हो जाती है उसी रात में, उसका जुनून अलग ही. एंड वही चीज पापा ने हमेशा यू नो हमारे साथ भी की है. पापा उन लोगों में से हैं जिन्होंने, देखिए, अपने आप को ऐसे बदलते माहौल के साथ में ढाला है. जब मैं कहती हूँ पापा मेरे दोस्त हैं, तो मुझे उनको अपनी वोकैबुलरी में, या फिर जब जब मेरे बच्चे उनसे बात करते हैं, तो 1 सेकंड को भी ये नहीं लगता है कि नहीं भाई कोई बड़े बुजुर्ग हैं, या ऐसा कुछ कभी नहीं लगता. ये वो जेनरेशन है जिसने, मुझे लगता है, स्लेट पर चौक से लिखना शुरू किया, और आज कीपैड पर टाइप करते हैं, वॉइस मैसेजेस भी वॉइस वॉइस के जरिए से मैसेजेस भी लिख लेते हैं. तो उन्होंने हर माहौल में, हर इस पूरी टेक्नोलॉजिकली चेंजिंग, एवर चेंजिंग दुनिया के साथ में अपने आप को बदला है. तो उनकी अमेजिंगली इस पूरे उसमें उनकी भाषा कहीं, उनके शब्द कहीं डाइल्यूट नहीं हुए. ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम ये जो ये वो लाइब्रेरीज हैं शब्दों की, ये पापा हैं, गुलजार अंकल हैं, जावेद अख्तर, ये कुछ ही इस तरह के लोग हैं जिनके जिनके पास ये सारी जो लाइब्रेरीज हैं, जो उनके यहाँ पर हैं, वो वाकई हमने हमने कुछ भी उनसे इतना भी नहीं सीखा है. काश हम और कुछ सीख सकते, ये हमें आगे बढ़ाते, हमारे लिए जो फायदेमंद. बट हैविंग सेड दैट, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, एंड मुझे लगता है कोई पुण्य ही किए होंगे जो पापा और मम्मी की बेटी हूं मैं. पापा की डेफिनेटली हम 11 दिन से चर्चा कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, लेकिन इसमें मम्मी ऐसा कहती हैं कि बेटा पापा लिखते क्या हैं, आधे तो मेरे ही डायलॉग होते हैं जो मैं किचन से बोल रही होती हूँ. बिल्कुल तो इसमें हम मम्मी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं, और पापा भी इस बात को कभी कभी अग्री कर जाएंगे. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की, एंड स्पेशली अर्पण कुमार जी आपकी, और जनसुलभ पुस्तकालय के लिए, और आप सब लोगों के लिए, कि आप लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े और पापा को सेलिब्रेट करने में इतना बड़ा योगदान किया. हम लोगों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात ही नहीं, बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारी खुशी में इस तरह शामिल हुए. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों जी शुक्रिया, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना जी, आपने समय निकाला। और तमाम जी मित्रगणों की प्रतिक्रिया आ रही है, श्याम सुशील जी कह रहे हैं कि बहुत ही अद्भुत बातचीत रही, पद्मा त्रिपाठी जी लिख रही हैं, लुबना जी आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत हिरण्य शुक्रिया. हेमकर जी लिख रहे हैं, वो खुद रंगकर्मी हैं, हिरण्य हेमकर हमारे यहाँ कई बार, जब भी मैंने कहता हूँ कहानियों का पाठ करते हैं, रंग कर्म से जी जुड़े हुए हैं दिल्ली में, वे लिख रहे हैं, जी लोना मैम का हमेशा समर्थक रहा हूं, आज इस बातचीत से उनकी साहित्य संस्कृति की दीवानगी देखकर मजा आ गया। बहुत और आप शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. आज की डेट में अगर मैं आपकी कहूं तो थिएटर मेट्रोज में नहीं हो रहा है, थिएटर स्मॉल टाउन्स में ही हो रहा है. वही है जहां पे थिएटर आज जिंदा है. तो प्लीज जो जहां पे भी हैं आप लोग, थिएटर जरूर करते रहिए, बिकॉज वही शायद एक उम्मीद है हमारे लिए. जी, हिरण हिमकर जी दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ाते हैं और साथ में थिएटर से जी जुड़े हुए हैं। वे लिख रहे हैं, जी आपकी अमृता नाटक जावेद सिद्दीकी जी का, उसका हमेशा फैन रहा, काश ऐसा ही कुछ लिख पाऊं, बाकी सपना है एक रंगकर्मी के नाते। तो कैसे जावेद सिद्दीकी तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा का भी काम करते हैं, एक बड़ा रचनाकार, चाहे वे खाके लिखें, कहानियां लिखें, नाटक लिखें, फिल्में लिखें, अपने हिसाब से उसमें एक मापदंड भी वे बनाते चलते हैं, जिससे लोग प्रभावित होते हैं, जिससे लोग कहीं ना कहीं जुड़ते हैं और स्वयं भी उस परंपरा में अपनी ओर से
कुछ योगदान देना चाहते हैं। और ऐसे ही हम कहें कि चाहे वह साहित्य तो साहित्य ही है लुबना जी, उर्दू हिंदी की बात तो ठीक है, भाषाओं की अपनी एक बात है, लेकिन उसके बावजूद भाषाओं का जो अपना एक समन्वय है, जो भाषाओं की जो अपनी एक अपनी अंतर्यात्रा है, वह लेखक को कई और भाषाओं के पास ले जाती है। आप विभिन्न हम देखते हैं कि विभिन्न भाषाओं के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों के माध्यम से जावेद सिद्दीकी जी का लिखा हुआ कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। फिल्मों में भी कई ऐसे डायलॉग्स, कई ऐसे वन लाइनर हैं जो हर पीढ़ी के लोग बोल रहे हैं, और वह अभी जी लुबना जी स्वयं इस बात की साक्षी हैं कि कैसे उनके बच्चे भी और दूसरी नई पीढ़ी के बच्चे भी उनसे कैसे एक गहरा तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। तो बहुत बिल्कुल ही अच्छी बातचीत रही, तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो हमें मिली और अच्छा लगा, और इस पूरी कड़ी को लोगों ने पसंद किया। यह हमारी सफलता ही है कि हम इस तरह से कुछ कर रहे हैं। स्वयं हमें अच्छा लगता है कि हम अपने रचनाकारों को लेकर इस तरह से कुछ एकाग्र कर सकें और खुद ही हम उससे समृद्ध होते हैं। साहित्य और संस्कृति को समर्पित जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से हमेशा यही कोशिश होती है, अलग-अलग भाषाओं में, साहित्य में भी, फिल्म में भी, रंगमंच में भी, दर्शन में भी, राजनीति विज्ञान से भी जुड़े हुए लोग, तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग एक एक करके आते हैं और हम उनके अनुभवों का लाभ उठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और तमाम मित्रगण इन कार्यक्रमों को देखते हैं, सुनते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मित्रों, और कल 13 जनवरी है, जावेद सिद्दीकी जी का जन्मदिन है। कल स्वयं जावेद साहब हमारे साथ उपस्थित रहेंगे, और आज